हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंजोज़ लिटिल वर्ल्ड इन यूके। और आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वॉक शेयर करने वाला हूँ। ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और ये मेरा लोकल एयरपोर्ट है, बट यहाँ पे कोई फ्लाइट्स आप ले नहीं सकते। एक्चुअली यहाँ पे एक तरीके का ट्रेनिंग सेंटर है फ्रेंड्स, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस सीखते हैं ना कार चलाने के लिए, बस उसी तरीके से लोग यहाँ पे प्लेन चलाना सीखते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लेन होते हैं, लोग प्लेन चलाते हैं और उसका ट्रेनिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं। प्लस यहाँ पे जो प्राइवेट छोटे प्लेन होते हैं वो आके यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। तो बहुत ही नाइस एयरपोर्ट है मेरे घर के पास में, छोटा सा, हालांकि मेरे किसी काम का नहीं है, बट दिखने में बहुत सुंदर है। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्लेन और हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, आसपास खुली जगह है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो ये रहा एयरपोर्ट, छोटा सा रनवे। वो दूर छोटे छोटे जो आपको घर दिख रहे हैं उसको हैंगर बोलते हैं। उस हैंगर के अंदर प्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब रहते हैं, पार्क रहते हैं, वहाँ पे सर्विसिंग वगैरह होती है। और ये छोटा सा रनवे है, यहाँ पे प्लेन वगैरह उड़ते हैं। तो आइए चलिए वॉक पे चलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी काफी चल रहा है, रोड वर्क भी चल रहा है। बहुत ही प्यारी जगह है फ्रेंड्स, बहुत पीसफुल है। बस ये है कि हर दो दो मिनट में प्लेन उड़ते हैं, कोई कोई दिन बहुत बिजी होता है। और रोड के दूसरी तरफ जो है वहाँ पे है आपके एक कॉलेज है, और उस कॉलेज का नाम है आई थिंक लैंसिंग फ्लाइट कॉलेज करके। वहाँ पे कोर्सेज भी कराए जाते हैं प्लेन को, प्लेन के लिए कोर्सेज होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है जब, जहाँ तक मुझे लगता है, और वहाँ पे जो है थ्योरेटिकल वगैरह पढ़ाया जाता है। तो एक छोटा सा कॉलेज है रोड के उस तरफ, और इस तरफ जो है एयरपोर्ट है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, उधर रोड वर्क भी चल रहा था। मैंने वीडियो थोड़ा सा अंदर आके बनाना शुरू किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काफ़ी नॉइज़ भी था। तो जब मैं शुरू में इधर मूव हुआ था, तो मैं जब यहाँ से चल के जा रहा था, मेरे को लगा कि यहाँ पे डैम है कि पता नहीं क्या है, क्योंकि एक तरफ बहुत ऊँचा सा है, अभी आपको दिखेगा रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ पे डैम है कि कनाल है, पर बाद में देखा नहीं, ये तो एक्चुअली एयरपोर्ट है, और दूसरी तरफ वो लोग बस कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा वेदर है, मैंने सोचा पूरा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आपको पता है यूके में ज़्यादा अच्छा वेदर ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। सो देखिए नो पेडेस्ट्रियन एक्सेस क्या क्या लिखा हुआ है। अब हमें दूसरी तरफ से थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। वो दूसरी तरफ जो है वो रहा एयरपोर्ट आपका। तो दोस्तों मैं थोड़ा चल के इधर आया हूँ क्योंकि वहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए एक्सेस अलाउड नहीं है, मतलब आप पैदल चल के एयरपोर्ट के पास से जा नहीं सकते। सो ये सबसे करीबी जगह है जहाँ से हम एयरपोर्ट देख सकते हैं, वो एयरपोर्ट है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बता रहा था, ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, इसीलिए सेफ्टी रीजंस के लिए वहाँ पे जो है ट्रैफिक कम करने के लिए लिमिटेड व्हीकल्स और लिमिटेड पीपल को मतलब एक्सेस अलाउड है। वैसे मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, पर फिर मैं वीडियो नहीं कर सकता हूँ, बात ये है। तो आप पैदल नहीं जा सकते हो।
तो हाँ, यहाँ पे लोग हेलीकॉप्टर चलाना भी सीखते हैं, प्लेन चलाना भी सीखते हैं। तो ये मेरा लाइफ में ये मैंने पहला क्लासेस देखा है जहाँ पे आप प्लेन वगैरह चलाते हो। बहुत एक्सपेंसिव है, रिच लोग ही करते हैं ज़्यादातर, जो बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश लोग हैं वो लोग का ही ये, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँगा फ़न है। वो लोग फ़न के लिए भी करते हैं और एक तरीके का अपना एक एक्टिविटीज़ भी हो गया जो वो सीख लेते हैं। सो या तो ये रहा एयरपोर्ट। बहुत सुंदर जगह है, एयरपोर्ट के पास में नदी है। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर नदी है। आज वेदर एक्चुअली बहुत अच्छा है, नदी में पानी कम ज़्यादा होता रहता है, कभी कभी तो ये पूरा भरा हुआ रहता है। और ये छोटा सा वुडन ब्रिज, जो फिर वापस वहाँ पे एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे जाके मीटअप करता है। और ये दूसरी तरफ ये सब भरा हुआ रहता है। तो फिर नदी की भी एक कहानी है दोस्तों, यहाँ पे आगे जाके ये नदी जहाँ पे वो शहर है छोटा सा, जहाँ पे वो मीटअप करता है, वहाँ पे फिर लोग राफ्टिंग वगैरह करते हैं, कैनोइंग कायाकिंग वगैरह क्लासेस करते हैं। जब नदी में पानी रहता है तो अच्छा खासा स्पीड रहता है, और वहाँ पे उस तरीके से उस नदी को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया है ताकि आप कैनोइंग कायाकिंग वगैरह एक्सपीरियंस कर सको। तो वहाँ पर फिर उन सब चीज़ों का क्लास वगैरह होता है। बहुत ही बेहतरीन जगह है ये, बहुत छोटा सा गाँव है जहाँ मैं रहता हूँ, बट बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पे एक तरफ नदी है, उसके बाद दूसरी तरफ मोटरवे है, और मोटरवे से आप अगर जाओगे तो सीधा आप लंदन जा सकते हो। वहाँ से यहाँ से एक 1.5 आवर लगता है। सो हम वेल कनेक्टेड भी है, नाइस जगह है, थोड़ा सा कंट्री साइड भी दिख जाता है, नदी भी दिख जाती है, और दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं आपका एयरपोर्ट वगैरह भी है। सो हम काफ़ी अच्छी जगह पे। वो देखिए, वो रहा हेलीकॉप्टर, एक उड़ा है, यहाँ पे बस उड़ते रहते हैं हर 2-2 3-3 मिनट में। वो देखिए, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उधर, अगर आपको दिख रहा है, और ये प्लेन उड़ रहा है फिर इधर। ये बहुत आवाज़ करती है, जैसे वर्ल्ड वॉर में नहीं थे प्लेन उस तरीके के डिज़ाइन के हैं, और छोटे छोटे प्लेन है, और ये आवाज़ बहुत करते हैं क्योंकि इसमें पंखे हैं, थोड़े पुराने सिस्टम वाला है तो आवाज़ बहुत होता है। तो ये सारे, यहाँ पे कोई डोमेस्टिक एयरलाइंस नहीं है, बस छोटे मोटे प्लेन हैं जो उड़ते हैं आते हैं। आप प्राइवेटली हायर कर सकते हैं अपने जर्नी के लिए, बट अगेन फिर एक्सपेंसिव है। फिर एक और उड़ा प्लेन, मैं जब भी इधर नदी की तरफ चल के आता हूँ कोई ना कोई प्लेन उड़ जाता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक आपको दिखा सकूँ, बट खैर देखिए, प्लेन से ज़्यादा अच्छा तो ये नेचुरल ब्यूटी है। पूरे लकड़ी का ब्रिज है ये, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के कुछ डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं वैसा कुछ खास नहीं है, बट उसको इसी तरीके से बना के छोड़ देते हो नेचुरली, वो इतना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ। एयरपोर्ट का, बट जब वहाँ पे चल के गया तो वहाँ पे तो पेडेस्ट्रियन एक्सेस ही नहीं था। तो फिर उधर मैं घूम के आया तो मुझे पता नहीं था, मैं इस नदी इस रिवर में मैं पहले भी कई बार आया हूँ बट इस तरफ को नहीं आया हूँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी जगह है एक्चुअली, तो आपके साथ साथ मैं भी देख पा रहा हूँ, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है। वहाँ आगे जाके बहुत दूर थोड़े बहुत नाव वगैरह है। वहाँ की इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग फिर वो नाव पे रहते हैं,
यहाँ पे घर वगैरह महंगे होते हैं इस एरिया में, तो किराए से घर लेके रहना भी बहुत मतलब महंगा है। तो लोग फिर उधर वो नाव में भी रहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर बड़े बड़े नाव होते हैं और वो परमानेंटली भी रहते हैं, और फिर वो चाहे तो उसको एंकर उठा के उसको फिर मूव भी कर सकते हैं। तो लोग फिर नाव में भी रहते हैं, वो एक अलग लाइफस्टाइल है, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे उस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया है, छोटा टैंक होता है जहाँ पे गंदा पानी वगैरह जमा होता है, फिर वो लोग क्लियर अप कर देते हैं मशीन से, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस की पाइपलाइन भी बिछाई गई है ताकि सब तरीके की सुविधा हो, क्योंकि ये जगह ठंड की जगह है। और फिर उसके बाद लाइट वगैरह सभी तरीके का व्यवस्था यहाँ पे कर रखा है। तो ये है दोस्तों मेरा गांव, छोटा सा। वेल, आप लोग बोलोगे कि ये कैसा गांव है, बट गांव ही है ये, यहाँ के हिसाब से लैंसिंग टाउन सेंटर बोलते हैं, तो लैंसिंग टाउन। तो अच्छा है, मैंने भी देख लिया, मेरे को ये वॉक बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये जो रास्ता है बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर अभी आप कम हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ पे सी है दूसरी तरफ, तो जो बोलते हैं ज्वार भाटा, लो टाइड हाई टाइड के कारण पानी ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ के लोग जो भी चलते हैं, अगर आप उसको जानते हो या नहीं, वो लोग हमेशा बोलते हैं ऑल राइट, हेलो। ये एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे, हमेशा मतलब एक्नॉलेज करना जिसे बोलते हैं, हमेशा लोग एक्नॉलेज करते हैं, हेलो हाउ आर यू, कभी भी इग्नोर नहीं करते भले आप उनको जानते हो या नहीं। तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने काफ़ी सीखी है, जिसको बोलते हैं गुड बिहेवियर या मैनर्स, ये बहुत मैटर करता है। देखिए मेरे को ये चीज़ भी आज यहाँ पे देखने को मिला, डाउन लिंक्स द नॉर्थ डाउन्स वे 37.5 माइल, मतलब इस रोड पे आप अगर चलते रहेंगे तो ये जहाँ भी बता रहा है वहाँ पे आप जा सकते हो। अब देखिए वो आ गया छोटा सा शहर, फिर वहाँ पे गाड़ी वगैरह देख सकते हैं, तो सब कुछ बहुत कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अगर इस कैमरे को थोड़ा सा इधर पैन करूँ और अगर वहाँ जाऊँ, आप कम्प्लीटली बोलोगे कि ये मैं कहाँ आ गया। अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पे कट कर देता हूँ और अगर मैं फिर से वीडियो शुरू करता हूँ, आपको लगेगा कि मैं एक नई जगह पे आ गया हूँ, बट एक्चुअली सब इतना कॉम्पैक्ट है, सब आसपास है। ये बस रोड आ गया है, देखो दोस्तों यहाँ पे शहर, दुकान, घर वगैरह सभी कुछ है, बस वगैरह, ट्रेन, सभी कुछ है एक्चुअली यहाँ पे, तो सब कुछ बहुत कॉम्पैक्ट है। अब देखिए अगर थोड़ा सा अगर मैं कैमरा घुमाता हूँ तो आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, बट उधर हेलीकॉप्टर भी उड़ा है अभी एक आसमान में, और इधर फिर वो नॉर्थ टाउन रोड आ गया है, और फिर इस तरफ जो है वो सामने आपका जो वो ब्रिज है जहाँ से मैं आया हूँ, और इस तरफ वही रिवर। तो आप बोलोगे कि ये नई जगह है, बट एक्चुअली वही जगह है, सब आसपास है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, और वो सामने उधर एयरपोर्ट है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप भी है, मैं देखता हूँ अगर वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करूँगा, दिखाऊँगा, बहुत प्यारा सा कॉफ़ी शॉप है ब्रिज की उस तरफ। तो ये है मेरा छोटा सा गाँव फ्रेंड्स, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यूके में काफ़ी जगह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आर्मी में था और जब मैं स्टूडेंट था तो मैं काफ़ी जगह रहा हूँ, ऊपर
नॉर्थ में भी रहा हूँ, स्कॉटलैंड में 5-6 साल, फिर डाउन साउथ में भी मैं काफ़ी जगह रहा हूँ। बट मेरे को बोलना पड़ेगा कि अब तक का सबसे खूबसूरत जगह यह है, यहाँ पे नदी, समुंदर, पहाड़ सभी कुछ है। और जो सबसे बड़ी बात है डाउन साउथ की यूके में, वो है कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे लोग घर खरीदना और रेंट करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। सब कुछ मौसम के ऊपर होता है, जितना अच्छा मौसम है चीज़ होती है महंगी होती है। बट फिर भी हम इधर हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ऊपर वाले ने और फ्रेंड्स फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ पे और इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। सो या ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट एरिया है रहने के लिए, मैं ये बोलूँगा। दूर अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे एक कासल भी है, एक ज़माने में था, उसकी हिस्ट्री मुझे इतनी पता नहीं है। मैं तो गूगल करके इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालूँगा, बट एक्चुअली जब मैं गया था अभी रिसेंटली उधर, ऐसा लगता है कि किसी का घर है, अब कोई बहुत बड़े अमीर आदमी का घर है। वहाँ पे प्रॉपर CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ है अंदर। मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा घर भी किसी का। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला था लोग यहाँ पे घर नहीं ले सकते किराए पे, और देखिए वो एक आदमी का कितना बड़ा घर है। तो यही है, यही है दोस्तों सब जगह की बात, अप्स एंड डाउन्स। बट हाँ, ये कहना पड़ेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि एक्चुअली मैं भी इधर आया नहीं था, तो मेरे लिए भी ये नई जगह है। अब मैं अपने फैमिली के साथ कभी यहाँ पे एक बार आऊँगा। अच्छा वॉक है, अच्छा वॉक, बहुत ही अच्छी जगह है वॉक करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो मैंने वो साइन देखा जो 37.5 माइल का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। किसी दिन उस पर भी वॉक करके एक वीडियो बनाना पड़ेगा, हालांकि वो बहुत लंबा है, मैं पूरा तो नहीं कर पाऊँगा, बट एक दिन करेंगे किसी दिन। मुझे ऐसे भी फिटनेस वगैरह एक्सरसाइज वगैरह अच्छा लगता है, तो एक दिन अच्छा डे ऑफ में पानी वानी पैक करके एक दिन करना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक दिन आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, मेरे पास टेंट है, मैं एक दिन पूरे दिन और पूरी रात बाहर रहूँगा, और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे कैंपिंग कैसे करते हैं, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो भी मैंने अपने लाइफ में सीखा है जब सिविलियन स्ट्रीट पे था और आर्मी में था। सबको कॉम्पैक्ट मिक्स करके अपना एक वर्जन बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो वीडियो। अगर आप में से किसी ने कैंपिंग नहीं किया होगा तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप लोग देखना कितना अच्छा होता है कैंपिंग करना और कितना अफोर्डेबल होता है, बहुत सस्ता होता है। बस एक बार गियर ख़रीदना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद बस आप सामान पैक करो, कहीं पर भी जाओ, कैंपिंग करो। वो एक मैं एक ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा वॉक था फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारी बातें इसमें शेयर करी। एक्चुअली वीडियो तो बनाना था एयरपोर्ट का, जो रह गया नदी के बिल्कुल उस तरफ और हम रह गए इस तरफ। अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी पर्पस या जो भी है सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो लोग वहाँ पर अलाउ नहीं करते। बट मैं एक काम करता हूँ, मैं कैमरा का लेंस स्विच करके मैं आपको जूम करके ज़रूर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे कैमरे में जूम लेंस बहुत अच्छा है। ओके दोस्तों, ये जूम लेंस है, वो देखिए आप, अब सारे प्लेन देख सकते हैं वहाँ पे, सारे जो प्लेन जो है लैंड करे हुए हैं, कुछ उड़ने की तादाद में हैं, कुछ लैंड कर रहे हैं, और बहुत दूर एक ट्रेन भी जा रहा है एक्चुअली, वो देखो। तो वहाँ पे देखो, जो वो मैं यही बोल रहा था, यहाँ पे ट्रेन भी है, प्लेन भी है, नदी भी है, और उधर गांव भी है, सब कुछ कॉम्पैक है। तो यह बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं उधर जब बोल रहा था कि लोग राफ्टिंग वगैरह करते हैं और लोग उसमें क्या कहते हैं बोट में भी रहते हैं, वो उस तरफ है एक्चुअली, वो उधर जहाँ पे बोट दिख रहे हैं वहाँ से लोग राफ्टिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा और आगे है, वहाँ पे भी स्कूल है। और दूसरा जो है आपका
और आगे जब आप जाओगे तो वहाँ पे फिर लोग वहाँ पे रहते भी है परमानेंटली। और एक हेलीकॉप्टर उठ गया, मैंने मिस कर दिया इसको, तो जूम में लाना इम्पॉसिबल है शायद। कहाँ है कहाँ है इसको, तो शायद मैं जूम में नहीं ला सकता। सॉरी दोस्तों, मैंने ट्राई किया बट जूम में नहीं ला पाया। ये थोड़ा कम जूम है, इसमें शायद अगर पकड़ सकूँ। ज़्यादा जूम होने से फिर उसको फ्रेम में लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यही है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे एक सामने छोटा सा रेस्टोरेंट है, अगर वो लेडी अलाउ करती है तो उसका एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। आइए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए। यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है, देखिए इस लेडी ने बहुत नाइस दो तीन चेयर यहाँ पे लगा रखे हैं और इनका छोटा सा शॉप है। मैं इधर कभी नहीं आया। वो देखिए एक प्लेन और उड़ रहा है। आइए देखते हैं छोटे छोटे शॉप में क्या है। बहुत प्यारा सा शॉप है और ये बहुत नाइस लेडी है, उनने मेरे को परमिशन दिया है कि एक छोटा सा एक मैं वीडियो कर सकूं। बहुत फ्रेंडली है, उनने मेरे को बोला कि ये दैट्स फाइन, आप एक वीडियो कर सकते हो। प्रॉब्लम देखिए बहुत नाइस क्यूट शॉप है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह केक्स वगैरह सर्व होता है। इवन मेरे को इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, देखिए कितना प्यारा सा है। बेसिकली एक्चुअली कैरावेन टाइप में है, वो गाड़ी के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर इसको आप ले जा सकते हो। ये व्हील्स के ऊपर है, बहुत नाइस है। रिवर के पास में, दूसरी तरफ एयरपोर्ट, अमेजिंग व्यू। क्या लगता है, आप ऐसी जगह काम करना चाहोगे? मैं तो ज़रूर चाहूँगा। बट देखिए छोटा सा होने के बाद भी हर तरीके की फैसिलिटीज़ है, आप चाहो तो कार्ड से भी पे कर सकते हो। पीछे हर तरीके का कॉफ़ी वगैरह सर्व होता है। सो ये वेरी नाइस, इवन अंदर एक नाइस कैरेक्टर ही देखिए, वुडन नाइस डिज़ाइन, लीव्स वगैरह, वेरी नाइस कैरेक्टर। पीछे छोटा सा एक बना रखा है, वो इसी के क्या कहते हैं, इसी का ही फोटो है लगता है, किसी ने पेंट किया है। डिड समबडी पेंट दैट वन, इज दैट योर? ओके ओके, yeah, I was just saying it looks like exactly like your shop photo. Whoever has done it, I really put attention to detail, the two small chairs which is up there. Yeah, it's all perfect. So thank you very much for allowing me to do the video. Cheers. Thank you. Bye bye. Okay, dosto. Time ho gaya hai alvida kehne ka. बहुत ही अच्छा एक छोटा सा वीडियो मैंने, वेल छोटा तो नहीं होगा मुझे लगता है, काफ़ी बड़ा ही वीडियो हो चुका है, बट मैं इसमें कुछ डिलीट नहीं करूँगा। यूजुअली मैं वीडियो एडिट करके डिलीट करके काफ़ी छोटा करता हूँ, बट मुझे लगता है ये वीडियो ज़्यादा नेचुरल होगा अगर जैसा है वैसा ही रखता हूँ मैं इसको। लेडी भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरे को परमिशन दिया वीडियो करने का, तो सभी कुछ मैं इस वीडियो में डालूँगा, कुछ भी एडिट नहीं करूँगा। यस, अनफॉर्चुनेटली मैंने एयरपोर्ट का फ़ोटो नहीं ले पाया, वीडियो नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम देखते हैं। बट मेरे को उस लेडी ने बोला कि आप जा सकते हो वहाँ पे वॉक करके, बट बिकॉज़ वहाँ पे साइन पोस्ट है, मैं फिर नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, बिकॉज़ वो बोल रही थी कि वहाँ पे काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया रोड वर्क्स, शायद इसलिए अभी जो है वो साइन पोस्ट लगा रखे थे टेम्पोररी, बट हटाना भूल गया या जो भी है। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट फिर एयरपोर्ट जाके ही उसका वीडियो करूँगा। वॉक तो आपने देख ही लिया है। तो बेंजोस लिटिल वर्ल्ड इन यूके में आप जुड़े रहे फ्रेंड्स। मैं हमेशा रैंडम वीडियोस लाता रहता हूँ, मैं रिसेंटली वीडियोस अपलोड करूँगा हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया है। वो वीडियो एक्चुअली मैंने इंग्लिश में रखा है क्योंकि ताकि ज़्यादा लोग समझ सके, बट मेरी इंग्लिश बहुत सिंपल है और बहुत मैंने
इजी तरीके से बोला है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप प्लीज़ देखिए, अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं फिर उसका हिंदी वर्जन भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और मैं फिर आप लोगों को पोस्ट करता रहूँगा नए वीडियोस। बहुत जल्द आने वाला है हेल्थ फिटनेस डाइट के ऊपर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन्स है और बहुत तरीके की बातें हैं जो लोग नहीं समझते हैं, और फिर लोग सब कुछ ट्राई करते हैं और फिर बोलते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग इसको लेके हमेशा सर्च करते हैं। तो मैंने जो अपने लाइफ में सीखा है हेल्थ फिटनेस के बारे में, उसको मैंने ज़रूर मैंने शेयर किया है। मैं बहुत जल्दी वो वीडियो बनाने वाला हूँ, एक्चुअली वीडियो बन चुका है, बस एडिटिंग करके डालना है। आप प्लीज़ देखिएगा, और उससे सारे रिलेटेड वीडियो एक्सरसाइज के बारे में मैं सारा इन डेप्थ इन डिटेल बताऊँगा, इनसाइड आउट। आज तक आपने जो भी देखा है, जो भी सुना है, वो कहाँ तक सच है, क्या है, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैं आज मैं इन फ्यूचर में मैं वीडियो में सारा आपको क्लियर करके बताऊंगा। ओके दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच एंड या टेक केयर। मैं भी घर जाता हूँ, थोड़ा सा खाना खाता हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।